Hello students, let us understand the following question. In this question, the question says, if P, Q and R in AP, then which of the following is correct? According to the option, हमें बताना है कि ABCD में से कौन सा option हमारा correct होगा, और जबकि P, Q and R AP में है. So, let's start. First of all, write down the given information. Given है, कि हमें P, कॉमा क्यू एंड आर इन ए पी. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन सॉल्यूशन पार्ट. जैसा कि हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि पी क्यू आर जो एपी में मेरी, सो अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं, कॉमन डिफरेंस वो क्या होगा इन दोनों का, अगर ये एपी में सो इक्वल होगा, सो दैट मीन्स D जो कि मेरा होता है, सो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मेरा क्या हो जाएगा, Q माइनस P. ये तो मेरा हो गया P एंड Q के लिए, और अगर मैं Q और R की बात करूं, सो यहां से मेरा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू R माइनस Q, और ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है AP में, सो दैट मीन्स Q माइनस P इक्वल हो जाएगा R माइनस Q. ठीक है, ये मुझे मिलेगा इक्वल टू में. सो फर्दर मैं इसको लिख सकता हूँ, माइनस Q को लेफ्ट साइड ले आऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस का, सो Q प्लस Q दैट इज 2Q इज इक्वल टू माइनस P को राइट साइड ले जाएंगे, सो R प्लस P. सो अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं. मल्टीप्लाइंग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑन बोथ साइड बाय क्यू. ठीक है, क्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो वी विल गेट यहां पे हमें क्या मिलता है, लेट्स सी, ये हो जाएगा टू क्यू स्क्वायर प्लस, सॉरी, टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर प्लस पी क्यू. और अब देखिए, अगर मैं टू क्यू स्क्वायर को राइट साइड ले जाता हूँ, सो जीरो इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर प्लस पी क्यू माइनस टू क्यू स्क्वायर. सो दैट मीन्स फर्दर मैं इसको लिख सकता हूँ फाइनली, पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, ये मुझे निकल के आ रहा है यहाँ पे जो रिलेशन है पी क्यू आर में. सो देखिए, ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा. पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, एज वी कैन से दैट ऑप्शन बी इज करेक्ट. So I hope you have understood the question. Thank you.